दस ये फूल गई है, ये जो हमारी रेडी है मैंने रेडी करके रख ली थी ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। और मैं फटाफट आपको बनाना बताऊँ, एक हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले, लेकिन मैं दोबारा आपके सामने उसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग रेडी करते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको व्हाइट सॉस बनाना बताऊँगी। यहाँ एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गरम होता है हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप अनियन। देखिए हमारी अनियन चली गई, अनियन को सिर्फ हम 1 से 2 मिनट सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है अनियन को। हमारी चिकन चली गई, चिकन का जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा, वैसे तो मैंने इसको स्ट्रेनर में डाला था लेकिन जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर को स्किप नहीं करिएगा, उससे बहुत ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब हम इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे, यहाँ मैं टबैस्को सॉस यूज़ कर रही हूँ। मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, टबैस्को सॉस भी थोड़ा स्पाइसी होता है। इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सारे अपने मसाले ऐड कर देंगे, ड्राई मसाले, और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से ज़रा मिक्स हो जाए चिकन के साथ। यहाँ मैं इसमें 2 टेबलस्पून केचप ऐड कर रही हूँ जो ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो सही है वरना कोई ज़रूरी नहीं। चिली गार्लिक वाला केचप मैंने इसमें, 2 जो छोटे साशे आते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, 2 छोटे वाले साशे। अभी मैंने 1 डाला है चिली गार्लिक, अब मैं इसमें एक और ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे इसमें केचप का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए कैप्सिकम हमारी चली गई, तो मैं बाउल में निकालती हूँ फिर मैं आपको व्हाइट सॉस बनाना बताती हूँ। चलें अब हम अपना व्हाइट सॉस रेडी करते हैं। चिकन हमारी फिलिंग रेडी है, डो भी रेडी है, अब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून ऑयल का ले रही हूँ, पैन उसी पैन में बना रहे हैं, वॉश कर लिया है मैंने, और 1 टीस्पून के बराबर हमने बटर लिया, 2 टीस्पून मैदा हम लेंगे भर के, ये मैदा चला गया, इसको हम हल्का सा पकाएंगे बटर और ऑयल के साथ। बहुत मज़ेदार बनती है, बस इसके 2-3 स्टेप हैं, अगर आप ये पहले से बना के रख लें तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये ब्रेड ऐड करूँगी ताकि लम्स ना बने, देखें ये एकदम से गाढ़ा हो गया। वाइट पेपर पाउडर चली गई, ये हमारा चला गया चिकन पाउडर, इनको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम दूध इसमें डाल रहे हैं, 1 से 2 टेबल स्पून बस, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए, काफ़ी थिक सा वाइट सॉस बनाना है हमें बस, और इसके अंदर मिल्क नहीं जाएगा, बस ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। हमारा वाइट सॉस रेडी है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब ऐड करूँगी, थोड़े से बिल्कुल, ताकि एक फ्लेवर सा आ जाए बस। 1 पिंच जितना मैंने डाला है, बस ये हमारा रेडी है। तो चलिए सब चीज़ें रेडी हैं, अब मैं इसकी डो रेडी कर लेती हूँ जल्दी से। ये हमने मैदा डाला, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी डो फूल गई है, थोड़ा इसको पंच डाउन करेंगे।
थोड़ी सी हम और लेंगे। दो तरह का शेप देना बताऊंगी मैं आपको। काउंटर पूरा अपना खाली कर लेते हैं। ये देखें डो हमारी रेडी है। अब मैं इसको उठा के ट्रे में रख लूंगी और उसी के अंदर ही मैं इसको असेंबल करूंगी। पहले हम इस पे कट लगाएंगे और फिर मैं इसको असेंबल करूंगी। इस तरह हम इसको कट लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे चिकन रखूंगी जो हमने फिलिंग रेडी करी थी। देखें ये ड्राई हो गई है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। ये हमारी चिकन चली गई। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी वाइट सॉस जो हमने बनाया था। देखें कितना थिक है, ये बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है इसको, वरना जो है ये निकलेगा बाहर। फिर ये देखें ये हमने चीज़ डाल ली, कम या ज़्यादा जितनी आप चाहें। एक और मैं शेप बनाऊंगी इसके अलावा। ये देखें यूं करके हम यूं करते जाएंगे। इसी तरह लेयर बनती जाएगी। तो देखिए तो पूरा मैंने शेप दे लिया है। अब हम इसके ऊपर एग वॉश करेंगे। पूरी के ऊपर हम एग वॉश करेंगे। यहाँ मैं इसके ऊपर ये फ्रेश पार्सले है ये मैं डाल रही हूँ। ये ब्लैक तिल भी डालूंगी। एक दो मिनट मैं इसको रेस्ट देने के बाद फिर मैं इसको ओवन में बेक करने रख दूंगी। जब तक ये रेस्ट ले रही है हम दूसरा शेप बनाते हैं। छोटे छोटे चिकन ब्रेड बनाई है 2.5 कप में। देखिए कितनी सारी मेरी बन गई है। अब हम ऊपर से इस पे ब्रश करेंगे बटर को, ताकि इस पे एक शाइनी सा लुक आए। गरम गरम पे ही हम ये करेंगे। ये देखें इस पे बटर चला जाएगा। ये गरम गरम पे अब हम इस पे बटर लगाएंगे। ब्रश कर देंगे बटर हल्का हल्का सा। ये देखें ये बटर चला गया। थोड़ी सी ठंडी होती है फिर मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त। देखें ये बेक हुई है, कलर भी और खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। थोड़ी सी ठंडी होती है फिर हम इसे कट करेंगे। अपने हिसाब से जितने पीसेस चाहें आप बना सकते हैं। ये देखें कितनी सॉफ्ट चीज़ी, अभी भी काफ़ी गर्म है ये। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने वाइट सॉस डाला था मज़ेदार सा, किस तरह वो मेल्ट होके निकल रहा है। नहीं जूसी सॉस वाला कितनी अच्छी चिकन ब्रेड है ये। अभी मैं आपको इसका दूसरा स्लाइस दिखाती हूँ उठा के। काफ़ी गर्म है ये। ये देखें हमारी चिकन ब्रेड, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रेडी है हमारा। ये शेप भी हमने निकाल लिया है। कितनी सॉफ्ट है मैं आपको दिखाती हूँ, एक तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अभी काफ़ी गर्म है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है,
बहुत ही मज़े की हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।